मिशन शारदा के अंतर्गत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर शिक्षकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण किया जा रहा है। विकास खंड हाथवंद स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शनिवार को शारदा अभियान के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षकों को दिया जा रहा 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इसमें स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जाने पर चर्चा की गई। वहीं प्रशिक्षण में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन देखने को भी मिला। सभी अध्यापकों का बिना मास्क के ही प्रशिक्षण कार्य चल रहा था। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है जो नाम लिखवाने के बाद विद्यालय नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विद्यालय आते ही नहीं हैं। शिक्षा अधिकार के तहत ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में नाम लिखकर नोडल शिक्षक अपने अपने विद्यालय में प्रशिक्षित करें। वहीं शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बिना मास्क लगाए प्रशिक्षण की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। ARP कृष्णा गोपाल गणित, ARP मुकेश कुमार अंग्रेजी का प्रशिक्षण देते हुए बताया कि 9 माह के कोर्स में कुछ चित्रों के साथ आमंत्रित और मात्रिक शब्दों का ज्ञान शिक्षकों को कराना है। ये शारदा अभियान के तहत जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उन बच्चों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 1 फेरा 3 दिन चलेगा और 1 फेरे में हमारे 2 कमरे चल रहे हैं। 1 कमरे में 47 टीचर्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतिभाग के दौरान ये 1 फेरा 3 दिन लगातार चलेगा। इस प्रकार से हमारे 2 फेरे चलेंगे। 2 फेरे में 2-2 कमरे अलग अलग चल रहे हैं और हम संदर्भदाता कृष्ण गोपाल राठौर ARP गणित और दूसरे हमारे मुकेश कुमार ARP इंग्लिश एक एक कमरे में संदर्भदाता का काम कर रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।